टुकड़े हैं जो चिकन के, वो हम इसको मसाला लगाएंगे। 2 टेबलस्पून के इतना कुकिंग ऑयल, दही 2 टेबलस्पून के इतना, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ी हल्दी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का रंग। अब इसको पहले करते हैं मिक्स अच्छे से, ठीक है, ये पूरे मसाले के साथ। थोड़ा सा बेशक इसमें पानी डालेंगे ताकि जो मसाला इसके अंदर लगा हुआ है ना, ये मसाला भी इसके अंदर से अच्छे से निकल जाए। अब इसको करते हैं यहाँ से कवर और हम चूल्हा जला देते हैं ताकि ये चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। और उसके बाद राइस की तरफ चलेंगे। पैन के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑयल, ठीक है, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर को कटिंग करके रखा हुआ है, थोड़ा सा हरा धनिया जो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा सा ये ऑयल फ्राई होता है तो हम इसमें गर्म होता है तो हम इसमें डाल देते हैं सब्जियों को। बस हल्का सा स्टोव फ्राई करके निकालेंगे, लेकिन जब हम उसको बड़े प्लेटर में निकालेंगे तो ऊपर ये वेजिटेबल और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर अभी ये जाएंगे वेजिटेबल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा चाहें तो इसके ऊपर नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना ताकि थोड़ा इसके ऊपर वो फीकापन ना लगे। बिल्कुल ज़रा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देते हैं और चिकन को भी बस ड्राई करके हमने निकाल लेना है। हल्की सी, देखें कच्ची है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे ना फिर मज़े का आपको नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन और 1 खाने का चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर जाएगी लाल मिर्च पाउडर और फौरन ही हम जल्दी से इसमें राइस डाल देंगे। इसमें जाएगी हल्दी, ये देखें जी। अब इसमें जाएंगे चावल, चूल्हा बंद पहले, अब इसको करते हैं मिक्स प्रॉपर तरीके से। हमने राइस को यहाँ पर पका लिया था और बस इसकी मिक्सिंग करते हैं ताकि इसके अंदर जो मसाला है ना अच्छे से आ जाए चारों तरफ, वरना ये कच्चा कच्चा या फिर कहीं से नमक तेज़ कहीं से कम नमक वाला ना हो जाए। अब अच्छा, ये चूल्हा देखिए बंद, अब थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, बंद चूल्हे पे किया है, बस ये मिक्स अच्छे से कर लें। अब ये तैयार हो गए चावल, अब इसके ऊपर डालते हैं सोया सॉस, टोमेटो केचप और मायनीस, दोनों को करेंगे अच्छे से मिक्स और ये ऊपर से हम डाल देंगे, ठीक है। इसको हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करनी है। अगर आपके पास कोई बॉटल है तो वो बहुत अच्छी रहती है केचप वाली, तो ऊपर से आपको आसानी से उसके ऊपर मतलब पोर करने में इजी रहेगा। बड़ा प्लेटर लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालते हैं। ये राइस पहले मैंने निकाले, ठीक है, उसके ऊपर वो चिकन जो आपके सामने रेडी किया था वो डाला, वेजिटेबल डाली और ये जो मैंने मायनीज और केचप को मैंने एक बॉटल में डाल दिया, तो ये हम क्या करेंगे ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये आपने ऊपर से डाल देना ताकि वो राइस आपको ना थोड़ी ड्राई ड्राई ना लगे, तो ये आपने ऊपर से इस तरह से डाल देना, तो बड़े मज़े का आपको लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन राइस अज्जा, चिकन बोनलेस 1/2 किलो, उबले चावल 1/2 किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, टोमेटो केचप 1/2 कप, दही 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे।